हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हैप्पी न्यू ईयर की आपको तहे दिल से शुभकामनाएं और आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा बना होगा, मैंने आशा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन बताए थे हिस्ट्री की प्री बोर्ड में, लेकिन आज भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान के, ठीक है दोस्तों। और आप हर एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है और बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है आपको। हर एक वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा 4-4 मार्क्स के, जो कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप भी ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं और प्रत्येक का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव बताइए, ठीक है दोस्तों। मानव जीवन का प्रभाव बताना तीसरे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन जो आपका आता है, भारत की 5 मुख्य आयात एवं निर्यात वस्तुओं के नाम बताएं। आयात और निर्यात वस्तुओं के नाम बताते हैं। आयात का मतलब होता है करना और निर्यात का मतलब होता है इंपोर्ट, ठीक है दोस्तों। छठा क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे, ठीक है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में मिलेगा 100% श्योर, ठीक है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा अपनी बुक से, ठीक है दोस्तों। और आठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कारक बताएं। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वैश्वीकरण और उदारीकरण और पूंजीवादी। वैश्वीकरण, उदारीकरण और पूंजीवादी क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वैश्वीकरण, पूंजीवादी और उदारीकरण में उदाहरण अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह ने भारत की सरकार को सहायता कब और क्यों की थी, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये आपके जो 10th क्लास के जो 10th सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी मैंने आपको बताया। आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा, और आपको कुछ भी दिक्कत आती है दोस्तों मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता मुझे कमेंट करें और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपका बहुत अच्छे से सामाजिक विज्ञान की तैयारी हो जाए। थैंक यू भैया।